नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के पलवल जिले के गांव धतीर में ईश्वर उर्फ भोला हत्याकांड में शामिल वह मामले में तीसरे और 5,000 के इनामी बदमाश पर अपराध जांच शाखा होडल CIA पुलिस ने शिकंजा कसा है। मामले में पहले ही दो आरोपी अनिल व योगेश जेल जा चुके हैं। CIA होडल प्रभारी निरीक्षक जंगशेर सिंह के नेतृत्व में पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रेस वार्ता के दौरान मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक पलवल राजेश दुग्गल के नेतृत्व में जिला पलवल पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान वांछित व इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए चलाया गया था। CIA प्रभारी ने बताया कि 31 मार्च 2022 को गांव धतीर निवासी ईश्वर उर्फ भोला की पुरान रंजिश के चलते गांव में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में मृतक के भाई कृष्ण कुमार पुत्र राम प्रसाद की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध गदपुरी थाना पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल गांव धतीर निवासी दो आरोपी अनिल पुत्र वीरेंद्र व योगेश पुत्र रामवीर को 4 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था। वहीं फरार चल रहे आरोपियों के विरुद्ध 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जहां पुलिस सरगर्मी के साथ अन्य फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी दौरान 17 अक्टूबर 2022 को स्टाफ में तैनात ASI नरेंद्र सिंह ने विश्वसनीय सूत्रों की सूचना के आधार पर हत्याकांड में संलिप्त और फरार चल रहे आरोपी को असावटा मोड़ पलवल से धर दबोचने में सफलता हासिल की, जिसकी पहचान कृष्ण पुत्र मनीराम निवासी गांव धतीर थाना गदपुरी पलवल के रूप में हुई है। 41 नंबर मुकदमा है हमारा गदपुरी थाने का सर, ये 141 नंबर 1/4/2022 का मुकदमा था। इसमें एक ईश्वर उर्फ भोले था जिसका मर्डर हुआ था, तो 5 आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, 2 आदमी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी हमने जो कृष्ण पुत्र मनीराम इसको कल असावता मोड़ से करीब 4 बजे के करीब गिरफ्तार किया है। तो सर कितना इनाम था इस पर? इस पे माननीय ADG साहब की तरफ से इसके ऊपर 5,000 रुपए का रिवार्ड था सर। तो सर और भी वारदात इसमें सर, पहले दो मुलजम अनिल और योगेश ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें क्या था, जो मृतक था इसमें ईश्वर भोला उसके गोली मारी थी सर, और गोली मारने के बाद ये लोग फरार हो गए थे वहाँ से। तो ये जो अभी कृष्ण पुत्र मनीराम है ये भी स्कॉर्पियो गाड़ी में उनके साथ ही फरार हुआ था वहाँ से। तो सर कोई और भी वारदातें हैं जो इसने कबूली हो? कोई नहीं, इसके खिलाफ पहले कोई मुकदमा नहीं आया था, ये इसी मुकदमे के अंदर। तो हत्या के जो मामला था उसमें जो हथियार प्रयुक्त हुआ तो बरामद कर दिया गया? हाँ, इसमें जो पहले जो अनिल और योगेश गिरफ्तार हुए थे उनसे जो वेपन था वो रिकवर हो चुका है। चलो, हत्या क्यों की थी, क्या कारण? पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने पहले हत्या की थी। तो अब क्या कारण? इसको गिरफ्तार किया है सर, गिरफ्तार करके इसको आज कोर्ट में पेश करेंगे।